बताओ कहाँ रानी? बताइए इससे पहले हम पूरे गांव को बता दे कि आप हमारे बाबा की हत्या की है कहाँ है कि? रानी का वो कमरे में नहीं जाना चाहिए था। तीन पहर बाद उसका नशा उतरेगा, जाने का तांडव मचाएगी वो। वो कमरे में जो कुछ देखा उन्हें वो का याद रहेगा का? तीन पहर हो गए, उसका नशा उतरने वाला होगा। कौन है? मार डालूंगी। छोड़ो, हम रानी नहीं है, छोड़ो। रानी कहाँ है? मैं रानी को मार डालूंगी। रानी कहाँ है? रानी कहाँ है? कर रही हो कावेरी? अपने ही पति का प्राण लोगी का? ओ हम नहीं, रानी हमको बोल रही थी कि रानी कहाँ है, हम रानी को मार डालेंगे। हमारा गला दबा रही थी, कह रही थी रानी हम मार डालेंगे, मार डालेंगे। तुम्हें क्या हुआ? हे, हाथ में लगाओ, दूर रहो हमसे। अरे हमें? दूर रहो हमसे। रुकिए, कहाँ जा रहे हो? पूरा सपना तो सुनते जाते। मुझे लगता है वो रानी का भूत कावेरी के अंदर आ गया। हम सो नहीं सकते उसके साथ। ये भगवान कहाँ है? कहाँ चले गए हमें अकेला छोड़कर? आइए अंदर। नहीं, हम बाहर ही सोएंगे। काहे? बहुत गर्मी है अंदर। सपना हमें आया और ई डर के भाग गए। अरे सुनिए, कहीं बाहर ना आ जाए, दरवाजा बंद कर देते हैं। अरे दरवाजा काहे बंद कर दिया? खोलिए इसे। दरवाजा बंद करके चले गए, अब बाहर कैसे जाएं हम? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसी तिहुलोक उजागर, राम दूत अतिरिक्त बल धामा। हे हे महावीर, उस दरवाजे की रक्षा करना। हमारे और कावेरी की बस बस ये दरवाजा ही है। भगवान, हम तो दरवाजा बंद करके आए थे, ये कावेरी दरवाजे के बाहर कैसे आ गई? ये कावेरी ही है क्या? उसकी आत्मा दरवाजे के आर पार हो गई? अरे ये तो हमारी तरफ ही आ रही है, ये प्रेत आत्मा तो हमारी तरफ ही आ रही है। भाग मुरारी भाग। ये कहाँ चले गए? हमको तो कह रहे थे कि बाहर सोने जा रहे हैं। रानी तो नहीं उठा के ले गई? हे भगवान, रानी उठेगी तो भुवन का भी उठा देगी। उनका बता देगी कि उनके बाबा को हम ही मारे हैं। हमें भुवन को कहीं भेजना होगा, ना वो सामने रहेगा ना कौनो तमाशा देखेगा। भुवन, तू सोया नहीं? हमको नींद नहीं आ रही थी अम्मा, तो सोचा थोड़ा टहल लें। और आप भी तो नहीं सोई अभी तक। अब ए उम्र में काम की चिंता सताएगी तो नींद कहाँ से आएगी? काम की चिंता? कैसे काम अम्मा? वो भीमा कह रहा था कि गोदाम में कोनो काम है जो बहुत जरूरी है, अब ही करना होगा। जाते हैं अभी।
काहे के दसंत का तो तुम जानते हो, न सह करके बड़ा होगा हमारे कर लेते हैं। ए, आप कहाँ जाएंगी? आपको जाने की कोनो जरूरत नहीं है, वहाँ का काम हम देख लेंगे। तू जाएगा? आप चिंता मत करिए, हम जाते हैं। अम्मा जी, हम रानी की माँ को छोड़ आए। एकदम सही समय पे आया तू भीमा, भाग के जा, रानी के कमरे का दरवाजा बंद कर। उसमें आती होगी वो। जी अम्मा जी। अरे चाबी, चाबी तो कमरे में भूल गए। ये क्या कर रहे हो? मालिक, आप गोदाम ले गए? तुमको कैसे पता कि हम गोदाम जाने वाले? वो हमको अम्मा जी बताई रही मालिक कि आप वहां जाने वाले हैं। आप जा रहे हैं ना? हम चले जाएंगे, और तुम ये दरवाजे पे ताला काहे लगा रहे हो? मालिक, हमको लगा कि रानी फिर कहीं भाग न जाए, इसलिए हम। इसलिए का? वो का पिंजरे में कैद कर दोगे? वो इंसान है या जानवर? तुम जाओ यहां से, हम देख लेंगे क्या करना है। जी मैम। ऐसा नशा अफीम का होता है? तुमको कहा देखे थे और तुम कहा होते जा रही हो? एक पहेली बन गई हो हमारे लिए, सुलझने की जगह और उलझती जा रही हो। हम रानी के कमरा में ताला लगा ही रहे थे कि भुवन मालिक वहां आ गए। अम्मा जी, 3 बज गए हैं, रानी को कभी भी होश आ सकता है। भुवन भैया रानी के पास ही हैं। साजन प्रीत लगा
हमको कुछ बताना है। प्रिया अम्मा हमारे बाबा का खून की है। हमारी अम्मा तुम्हारे पापा का खून की है? हाँ, तुम्हारी अम्मा ही मारी है हमारे बाबा को, हम अपने आंख से देखे हैं। भीमा भी था वहां, भीमा को भी पूछो, वो बताएगा तुमको। भीमा बताएगा? हम ही सोच रहे थे कि तू जब सो के उठेगी तो कौन सी नई नौटंकी करेगी। हमारी अम्मा ने तेरे बाबा का खून किया। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? सुमन, हमको गुस्सा आ रहा है और हमको तुझ पे दया आ रही है। काहे करती है इतना नशा? बंद कर दे, जो नशे की आदत है ना, इसको बंद कर दे। पर नहीं, घर में तो कहा, ये गांव में भी नहीं रह पाई जी। झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। तुम्हारी अम्मा ही मारी हमारे बाबा को। सच बोल रहे हैं? हाँ। तो आ, तेरे को सच बताता हूँ। कहाँ लेके जा रहे हो हमको? कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो हमें? बोल, अब बोल जो बोल रही थी, अम्मा के सामने बोल। कहा हुआ भगवान? का कह रही थी? का हो रहा है सब? ऐसे बात कर रहे थे अपने पत्नी से? शुक्र मनाइए कि मुंह से बात कर रहे हैं, वरना हमारा हाथ उठ जाता ही पे। जी को आप इतनी इज्जत से ही घर की बहू बना के लाए हैं, आप पे का लांछन लगा रही है आप जानती हैं? कुछ समझे ना आए हम, का हुआ? इसी से पूछिए, ये बताएगी आपको का हुआ है। जानी, का बात है? है बिटिया, तुम लोगन का कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है का? बिटिया, ज्यादा भोले मत बनी अम्मा जी, सब जानती हैं आप। भूल काहे नहीं देती कि आप ही हमरे बाबा को मारी हैं? बोलिए, बाबा को काहे मारेंगे भला? वही तो पूछ रहे हैं हम। काहे मारी हूँ बेकसूर को? हम काहे को मारेंगे तोरे बाबा को? हम उनकी इज्जत करत रहे। हम जब वहाँ पहुँचे तो तुम्हारे बाबा पहले से ही मरे पड़े थे और तू बेहोश थी। झूठ, हम अपनी आँख से देखे थे। हम कितना बार बोले, हम देखे थे आप मारी हमरे बाबा को और वो भक्ति पूछे थे हम अम्मा जी, काहे मार दे हमरे बाबा को? आप जवाब नहीं दिए हमको, लेकिन आज जवाब देना होगा। अम्मा जी काहे मारी हमरे बाबा को? छोड़, काहे उधर खड़े के बात कर। आए
हाय हाय माँ हरि तारे हम गाई सुनने के पहले उठा गए नहीं धरती पर जा अभी कभी मौसम आ जाए अम्मा 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 शांत हो जाओ रोना बंद कर दो नहीं भुवन हम तो बर्दाश्त नहीं होते तबड़ा लंच ना रे आरे अभी उसके मुंह से जो हमका भगवान बराबर माना एक ही पल में जूता बराबर कर दिया रे भुवन ने कोई और बोलता तो हम चुपचाप सुन लेते ले चुपचाप सुन लेते मान लेते सब कुछ हम पर ये अभी रानी ए भुवन अपनों कितनी चोट जिंदगी भर तकलीफ देते रे काहे कि जिन जगवन पे अपने ही आंसू का नमक गिराते वो कबाऊ नहीं भरते रे कबाऊ नहीं भरते अरे अम्मा शांत हो जाओ तो तभी लगा था कब हुआ कि तेरी अम्मा खूनी है तो कब लगा था कब बोल देना तू भी बोल दे अम्मा क्या हम खूनी है अम्मा बस हम खूनी है रे हम खूनी अब आप बिल्कुल हीरोइन वो भी ऊ के लिए जी को आपकी आंसू की ना बिल्कुल भी कदर नहीं है ये का तो रोज का काम है और आप जानती हैं ना कि वो सारा टाइम नशे में रहती है कल पूरी रात रानी कहाँ है कह के हमारी पूरी रात बर्बाद हुई और आज आपके पीछे पड़ी हुई हम कहाँ किए घर अरे होश में रहेगी तो पता लगेगा ना काकी देख रानी ये तेरी दूसरी और आखिरी गलती थी आज के बाद पर तूने कोनो नई नौटंकी की या हमरी अम्मा को रुलाने की कोशिश भी की ना तो जिन हाथों से तुझे हरा सिंदूर भरे थे ना उन्हीं हाथों से तुझे हम नहीं 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 बचुआ नहीं पत्नी है तोरी और बचुआ गुस्से में भी मुझसे ऐसा कोनो सपना ही निकाल जो गलती से भी भगवान न करे हो जाए सुना ना अम्मा का कह रही जिनके लिए तू इतना बुरा सोचती है तो तेरे भले बुरे के लिए कितना सोचती है और तू उन्हीं पे इल्जाम लगा रही है मन तो करता है सच नहीं भुवन देख बाप की मौत का सदमा लगा है उसका हम एक हालत समझत हैं हम देख आसमान में सब धो दिए तू अपना गुस्सा थक गए तो गोदाम जात रहा ना वापस काहे आ गया अम्मा चाबी भूल गए थे वो भी लेने आए थे इतने में ही हिमा गोदाम की चाबी दे रहे बचुआ को हम है ना का पंचायत लगाए का है ना चल करते हैं इंसाफ तोरे बाबा का हम ही मारे तुम्हारे बाबा को अपने इन्हीं हाथन से उनका मारे हैं